इसमें चेन रूल सीखेंगे बैक प्रोपोगेशन के बारे में। बैक प्रोपोगेशन होती है जब हम एंड तक पहुंच जाते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क की। हिडन लेयर 1 है, हिडन लेयर 2 है। इनकी जो नेमिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है बट है बहुत सिंपल। ये हिडन लेयर 1 है तो ये 1 1 1 हो गया, हिडन लेयर 2 है ये 2 हो गया। ये इसके न्यूरॉन की नेमिंग है। ये हिडन लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन है तो ये 1 हुआ, ये सेकंड न्यूरॉन है सेकंड हुआ, ये थर्ड न्यूरॉन है 13 21। ऐसे बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है। ये हिडन लेयर सेकंड का फर्स्ट न्यूरॉन है तो ये 2 1 हुआ, 2 2 हुआ। ये काम आते हैं जब हम आउटपुट को नेम करते हैं ना, आउटपुट ऑफ 3। ये 3 1 आउटपुट इसलिए क्योंकि ये थर्ड लेयर है और इसका फर्स्ट न्यूरॉन है। अगर मैं एक और न्यूरॉन लगा दूँ तो 3 2 हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग जो वेट्स होते हैं, वेट्स भी ऐसे असाइंड होते हैं कौन किससे कनेक्टेड है। ये फर्स्ट न्यूरॉन फर्स्ट से कनेक्टेड है तो W1 हुआ। सेम यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट से कनेक्टेड है, ये भी W1 1 हुआ, यहाँ पे भी W1 1 हुआ। बस जाके कन्फ्यूजन ना हो फॉर डिफ्रेंशिएशन, इसको 1 2 और 3 इनके ऊपर नेमिंग कर दी जाती है। अगर यहाँ से इसका कनेक्शन देखें तो ये 1 और 2 है, ये फर्स्ट लेयर का सेकंड न्यूरॉन है। और इसके वेट्स का कनेक्शन देखेंगे तो W1 और 2 आएगा। इसके भी वेट का कनेक्शन देखेंगे तो W1 और 2 आएगा। क्यों? ये आएगा W2 एंड 2 क्योंकि सेकंड न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद सेकंड न्यूरॉन। इससे लेयर से फ़र्क नहीं पड़ता वेट्स के अंदर, वेट के अंदर कौन किससे कनेक्टेड है वो देखा जाता है। तो जब हम बैक प्रोपोगेट करते हैं वाई प्रेडिक्ट फाइंड करने के बाद, वाई लाइक जो लॉस फंक्शन उसमें डिक्रीज करना होता है, उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, अगर हम इसके लिए देखें W1 3 के लिए बैक प्रोपोगेशन में क्या होता है, पीछे जाते हैं, वेट को मैनिपुलेट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जो भी करना होता है, और इसका लॉस फंक्शन डिक्रीज कराते हैं। लॉस फंक्शन डिक्रीज मतलब जो वाई प्रिडिक्शन होती है वो एक्यूरेट लेके आते हैं, जो एक्चुअल वाई ट्रूथ होता है उसके एक्यूरेट लेके आते हैं। तो उसका डिक्रीज कैसे कराते हैं, जो मैथमेटिकल वे है उसका, जो बिहाइंड द लाइक आपके एल्गोरिदम के पीछे होता है। अगर W1 3 की बात करें तो इससे अफेक्ट होता है आउटपुट ऑफ 3, ये O है, 0 नहीं है, आउटपुट ऑफ 3 1, लाइक आउटपुट ऑफ थर्ड न्यूरॉन, आउटपुट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ थर्ड लेयर, इससे अफेक्ट ये होता है। तो जो हमारा न्यू वेट आता है, हम आगे आ गए, अब वापस जाती है एल्गोरिदम, वापस जाएगी, सारे वेट्स मैनिपुलेट करेगी और फिर से फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगी। इसको इपॉक कहते हैं, जितनी ऑसिलेशन होती है, अगर 50 इपॉक है तो 50 टाइम ये ऑसिलेशन होंगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा लॉस फंक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। अब जब ये वापस जाएगा तो W1 न्यू, इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है W11 जो इसका वेट है ओल्ड माइनस लर्निंग रेट विद रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव ऑफ L, L होता है लॉस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ L विद रेस्पेक्ट टू दिस वेट, इस वेट के रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे वेट मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब होता क्या है, जो ये DL होता है, अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें, ये DL विद रेस्पेक्ट टू 1 1, ये जो वेट है ये अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली इसके आउटपुट को। तो चेन रूल यही होता है, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद अगर हम देखें तो उसको इक्वेशन को हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W113, इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, जो बेसिक चेन रूल होता है उसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये वाला है।